tag team. साथियों जैसा कि आप एक जो नया आंदोलन खड़ा हुआ है युवाओं का, छात्रों का, दलितों का और समस्त जो भी शोषित वर्ग है उसने हमारी सरकार को डरा के रख दिया है। सरकार हमारी इस बात से डरी हुई है क्योंकि आज से युवा सवाल पूछ रहा है। जो सवाल पहले JNU, CSU, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत देश के सारे विश्वविद्यालयों से उठ रहे हैं, हमारी सरकार आज से आज कर रही है कि ऐसे सभी सवालों को दबाकर और चुप करा दिया जाए। आज हम साथी जिग्नेश मेवाणी गुजरात से चुनाव जीत के आए हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि गुजरात में 180 सीटें हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि उनका दल एक खास विधायक से है, क्योंकि ये एक ऐसा विधायक है जो सरकार से सीधे सवाल पूछ रहा है, जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है, जो हमारी सरकार से सवाल उठा रहा है, जो उसकी कार्यकारी पर सवाल उठा रहा है, जो पूछ रहा है कि दलितों को इसके अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, वो पूछ रहा है कि महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, वो दलितों के अधिकार पर बात कर रहा है। हमारे जितने भी विधायक देश में चुने जाते हैं शायद ये उनकी आवाज आपका सुनाई पड़ती हो, लेकिन ऐसे जितने भी प्रतिनिधि हैं जो चुने जा रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उनको हमारी सरकार लगातार रोक रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो या देश में मोदी सरकार, दोनों का काम एक तरीके का है। वो हम जैसे युवाओं को जो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो इस बात पे बात करना चाहते हैं कि आखिर हमारी सरकार के पास रोजगार का क्या एजेंडा है, महिलाओं की समानता के लिए क्या एजेंडा है, वो उन सभी लोगों को चुप कराना चाहते हैं। जब दलितों पे अत्याचार होता है और वो इस बात की मांग उठाते हैं और इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन पर पुलिस का लाठीचार्ज कराया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है, उन पर फेक केस दर्ज किए जाते हैं और इस तरह हमारी सरकार मूवमेंट को तोड़ना चाहती है। लेकिन जो आज ये भीड़ है वो साफ तौर पर दिखा रही है कि जब जब सरकार हमारी दबाव बनाएगी या लोगों को रोकने की कोशिश करेगी तब तक ये भीड़ और बढ़ेगी। JNU में छात्राओं का एक आंदोलन हुआ जहाँ महिलाएं छात्रों के बराबर अपने अधिकार मांग रही थी, वो चाहती थी कि उनके और जो छात्रों के अधिकार है वो समान हो, उनके हॉस्टल की टाइमिंग सेम हो, उनको भी अपने हॉस्टल से निकलने की आजादी हो। ये वही लड़ाई है जब हम बात कर रहे होते कि हमें भी वही अधिकार मिले जो किसी अन्य व्यक्ति को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा था 23 सितंबर को और लड़कियां 22 सितंबर को धरने पर बैठी। प्रधानमंत्री को लड़कियों के धरने की वजह से अपना रास्ता बदलना पड़ा और ये बात उत्तर प्रदेश की सरकार को मंजूर नहीं हुई, क्योंकि सरकार इससे इतना गुस्से में आई उसने उन लड़कियों पर लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज का नतीजा था कि हमने JNU के वाइस चांसलर को वहां से वापस भेज दिया। तरीका वही है, लड़कियों पर अत्याचार हो, छात्रों पर अत्याचार हो, आज हमें रोजगार नहीं मिल रहा, इसी तरह हमें इस सरकार को झुकार के देखना है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो चाहे हमारे देश में मोदी सरकार हो। हमें समझना होगा कि ये जो छोटे छोटे हमले हमें किए जाते हैं, कभी वो छात्रों पर किए जा रहे हैं, कभी दलितों पे, कभी महिलाओं के अधिकारों पे, वो कहीं ना कहीं सरकार नए नए लोगों को पैदा कर रही है। सरकार और सवाल उठाएंगे और इन सारे सवालों को हल करने के लिए सभी लोगों को एक तरीके से एकजुट आकर काम करना पड़ेगा। साथियों इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।